ज़िंदगी इंजॉय करो एंड देन जो है दूसरों की हेल्प भी करो. दैट्स इट्स अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस. जिंदगी सर, मेरे हिसाब से ज़िंदगी तो एक मौका मिला है आपको, जिस हिसाब से आप उसको जितना यूटिलाइज कर सकें अच्छे, उसमें एक फैंटेसी है, आप उसको जितना जी सके, क्रिएटिविटी एडवेंचर जो भी पा सके और अपने रिलेशंस को जितना एंजॉय कर सके, वो चीज़ है मेरे हिसाब से. मस्ती का पूरा फुल वो है. तो ज़िंदगी का मतलब है कि चलते रहना, सतत स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल इज लाइफ. ज़िंदगी क्या है? इट्स अ टफ क्वेश्चन टू आंसर कि ज़िंदगी को हम कैसे देखते हैं. आई थिंक मेरे हिसाब से लाइफ वो है जहाँ आपके पास कुछ ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए आप यू वर्क फॉर दोज ड्रीम्स. आई थिंक दैट इज़ व्हाट लाइफ मीन्स टू मी. इट इज़ अ जर्नी बिटवीन लाइफ एंड डेथ. Life is travel for me to get experiences by visiting different places and visiting different cultures, getting to know different kind of people around. So the question is, what is life? For me, life is like a relay race. The sooner we pass our happiness to others, the earlier we win. धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो. रूह मिट्टी से और मिट्टी रूह से तंग है, दोनों के बीच शायद सुकून अमन की जंग है. आए ठहरे और रवाना हो गए, फिर भी कोई पूछे कि जिंदगी क्या है तो कह देना सफर की मुश्किलें, कश्मकश और जद्दोजहद. जानना है, समझना है और सीखना है. मेरे लिए ज़िंदगी एक पॉजिटिव फीलिंग है जिसमें आप हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा काम करते हो और बिना किसी टेंशन के भगवान पे पूरा अपना फेथ छोड़ के और सही रास्ता अपना चुनते हो. मेरे लिए ज़िंदगी समथिंग कि ज़्यादा बड़ा गोल नहीं होना चाहिए, थोड़े छोटे गोल्स लो, उनको अकम्प्लिश करो और ट्राई टू एन्जॉय थिंग्स जितना हो सके. मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी इन्जॉयमेंट ढूंढ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और मेरे लिए तो वही है कि जिनसे मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, जिनके साथ, तो आई ट्राई टू बी मोर विद देम ज़्यादा देन मतलब सबके साथ इन्वॉल्व होने में, लेकिन वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है. तो ज़िंदगी एक संगम है, एक ऐसा संगम जहाँ पर सुख दुख दोनों हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं. इसीलिए हर इंसान को कोशिश ये करना चाहिए कि इस संगम में डुबकी लगाते हुए, अर्थात सुख और दुख दोनों को साथ में लेकर के, दोनों परिवेशों में हंसते हुए और मुस्कुराते हुए रह करके हमें जिंदगी जीना चाहिए. फॉर मी इट इज़ लाइक कि यू शुड हैव अ पीस ऑफ माइंड वट एवर यू डू. सो यू शुड नॉट गो एक्स्ट्रा माइल्स फॉर एनीथिंग एंड यू शुड ऑलवेज कीप योर लाइफ इन चेक बिकॉज यू मे नेवर नो वट मे हैपन्स. ठीक है, इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड और इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और इन नेक्स्ट फ्यू डेज. सो यू कैन रियली प्लान, दो यू प्लान बट यू कैन रियली प्लान. सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ एंड इन्जॉय एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू थिंग्स विच गिव्स यू पीस ऑफ माइंड. जिंदगी एक तो पहली है, हम लोग जो आज कर रहे हैं पता नहीं कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कब कितना समय मिलेगा अगले सोच के करने के लिए, ये अनिश्चित है. इसलिए अभी जितना करना है कर लीजिए, कल का भरोसा मत रखिए. फ्रीडम एंड फ्रीडम, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम फॉर मी. आई वांट टू वर्क द वे आई वांट टू वर्क, आई वांट टू लिव माय लाइफ द वे आई वांट टू, आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू शॉप, आई वांट टू एंजॉय. दिस इज अपार्ट फ्रॉम द गायनी पार्ट आई एम इन. There is no single utmost definition of life. It depends on perspective of who defines it. It's falling down and getting back up. It's experiencing things and forming new memories. It's expecting things and getting disappointed.
लाइफ में स्ट्रगल करता रहना चाहिए और अपने को आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ सीखना ज़रूरी होता है। हर एक पॉइंट के अंदर सीखना चाहिए, कोई भी पॉइंट हो उसके अंदर अपने को सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना सीखेंगे जिंदगी अपने लिए उतनी ही ईजी होगी, जितना कम सीखेंगे उस लिए उतनी ज़िंदगी अपनी बोरिंग हो जाएगी। हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। ज़िंदगी सच पूछिए तो एक खुशी का नाम है। ये सब डिपेंड करता है आप ज़िंदगी को लेते कैसे हैं। पॉजिटिव वे में चलिए तो बड़ी खुशी है, और अगर नकारात्मक सोच लाइए तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है। इसलिए अच्छा है कि पॉजिटिविटी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएं। सुख दुख तो लगे ही रहेंगे, यही ज़िंदगी का नाम है। जब रामचंद्र जी इस जन्म में आए मनुष्य योनि में, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ दुख झेला और हमें बता के गए कि मनुष्य योनि जिंदगी में दुख तो आएगा ही, जो सुख है उसी को याद करके जी लो, यही बहुत है। लाइफ के मायने है कि हम एक समाज में रहते हैं और हम एक दूसरे की मदद करें, और व्हाट गोज फ्रॉम मी कम्स बैक। इसलिए हम जब दूसरे की हेल्प करते हैं तो घूम फिर कर वो हेल्प हमारे ही पास आती है, और अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वो घूम फिर कर बुरा हमारे ही पास आता है। यही लाइफ है। लाइफ में और किसी और चीज़ का उतना रोल नहीं रहता जितना कि एक दूसरे की हेल्प का रोल होता है।